दोस्तों 6 अगस्त 1980 के दिन नरगिस दत्त को मुंबई के ब्रिज कैनेडी हॉस्पिटल में यरकान के इलाज के लिए दाखिल किया गया। टेस्ट रिपोर्ट्स में कैंसर का शुबा जाहिर हुआ और उसी रात एयर इंडिया के जहाज से उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया। न्यूयॉर्क के कैंसर हॉस्पिटल में नरगिस के 16 ऑपरेशन हुए। 5 ऑपरेशन तो सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर हुए। उनका एक ऑपरेशन 14 घंटे तक जारी रहा। न्यूयॉर्क में इलाज के दौरान नरगिस करीबन 2 माह तक कोमा में रही। नरगिस दत्त की बीमारी के दौरान न्यूयॉर्क में उनके साथ मुकीम उनके शोहर और हिंदुस्तान में मौजूद उनके 3 बच्चों पर क्या गुजर रही थी, इसका हाल उनकी एक फैमिली फ्रेंड ने इस तरह लिखा है। सुनील दत्त का ये हाल है कि वो अस्पताल में अपनी बीवी के कमरे के बाहर बैठे रहते हैं या टहलते रहते हैं, कभी कभी बच्चों की तरह रोने लगते हैं, उनके पैरों में बड़े बड़े फोड़े निकल आए हैं। नरगिस की बीमारी के दौरान उनके लाडले बेटे संजय दत्त का हाल भी बहुत बुरा था। संजय दत्त की अपनी माँ नरगिस से मोहब्बत और नरगिस की अपने बेटे से वालेहाना मोहब्बत के बारे में सुनील दत्त कहते हैं, हमारे खानदान में जो बच्चे थे सब बड़े हो चुके थे। जब संजय पैदा हुआ तो सबका चहीता बन गया। नरगिस की वो अजीब कमजोरी साबित हुआ नरगिस को मुझसे या अपनी बेटियों से भी ज्यादा संजय अजीज था। मोहब्बत की शिद्दत से दोनों सुबह को लड़ते, मोहब्बत की शिद्दत से ही शाम को इनमें मेल हो जाता। मैं घर से निकलता तो नरगिस संजय की शिकायतों से आसमान सर पर उठा लेती। घर वापिस आता तो संजय माँ की गोद में सर दिए लेटा होता। आज की यात्रा में हम संजय दत्त का अपनी बीमार माँ नरगिस के नाम एक खत शामिल करने जा रहे हैं। ये खत संजय दत्त ने अपनी बीमार माँ के नाम न्यूयॉर्क अस्पताल में लिखा था। इस खत में संजय दत्त की अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत झलक रही है। इस खत में हमारी मुलाकात एक और तरह के संजय दत्त से होती है जो अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता है। इस खत में संजय दत्त हर दूसरी लाइन के बाद लिखता है कि माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अपनी बीमार माँ के लिए जज्बात से भरा हुआ संजय दत्त का ये खत साबिर दत्त ने अपने मैगजीन फन और शख्सियत के नरगिस दत्त नंबर में शामिल किया था। सुनील दत्त साहब इस अदबी मैगजीन के सरपरस्त थे। संजय दत्त अपने खत में लिखते हैं, 58 पाली हिल, 1 दिसंबर, डेरेस्ट डार्लिंग स्वीटेस्ट माँ, उम्मीद करता हूँ ये खत जब आपको मिलेगा तो आप पहले की तरह हसीन और अच्छी होंगी। माँ, आप जानती हैं कि आपका ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब हुआ है, डॉक्टर्स बहुत खुश हैं, आप बिल्कुल अच्छी हैं, मगर आपको भी जहनी तौर पर अपने आप को तैयार करना चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि आप वाकई अच्छी हो गई हैं। माँ, आप जानती हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ कि नहीं, लेकिन माँ मैं आपको बहुत चाहता हूँ, पागलपन की हद तक माँ, इसलिए माँ आप अच्छी हो जाएं और जल्द से जल्द घर आ जाएं। आपको अपने शोहर और अपने बच्चों का वास्ता माँ, हम सब आपके बिना नहीं रह सकते, हम आपको चाहते हैं, हमें आपकी जरूरत है माँ। आप सोच भी नहीं सकती कि पापा आपसे कितना प्यार करते हैं, आपका कितना ख्याल रखते हैं। मैंने सुना है कि आप
यही कहती रहती हैं कि आप अब अच्छी नहीं होंगी। माँ आप बिल्कुल भी ऐसा ना कहें मेरी खातिर। आप हमेशा यही सोचें कि आप अच्छी हो गई हैं और घर वापिस आ जाएंगी अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, है ना माँ? माँ अब आपका ये बेटा बड़ा हो गया है, कमाने लगा है, आपने पूरी जिंदगी मेरी देखभाल की। अब मैं चाहता हूँ कि जब आप वापिस आ जाएं तो मैं आपकी देखभाल करूं और खिदमत करूं। माँ मुझे ये मौका मिलना चाहिए कि मैं आपकी और पापा की सेवा कर सकूं और आप लोगों के आराम का ख्याल रखूं। अब आप लोग आराम करें, मैं सब कुछ करूंगा। मैं दुनिया की हर चीज आपको देना चाहता हूं। मेरी शूटिंग शुरू हो गई है और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैं रोजाना पापा के ऑफिस जाता हूं, अकाउंट्स देखता हूं। जैसे ही मेरी शूटिंग खत्म होगी मैं 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर अजमेर शरीफ, मीरा दातार, विष्णु देवी और कानपुर के मंदिर जाकर आपके लिए दुआएं मांगूंगा। आप जल्दी से अच्छी हो जाएं और लोग भी आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। माँ हर कोई आपसे प्यार करता है। माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप अपना ख्याल रखें और जल्दी अच्छी हो जाएं अपनी फैमिली के लिए। मैं आपके लिए हर जगह मन्नत मानूंगा। माँ मेरी खूबसूरत माँ, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं आपके पास न्यूयॉर्क आऊंगा। माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपका बेटा संजू। दोस्तों 5 मार्च 1981 को नरगिस दत्त अपनी तबीयत बेहतर होने पर मुंबई वापिस आई तो उनके घर पर जबरदस्त खुशी मनाई गई, आतिशबाजी की गई। 11 मार्च को उन्होंने अपनी शादी की आखिरी सालगिरह मनाई। उन दिनों संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी मुकम्मल हो गई थी। न्यूयॉर्क से वापिस आने के बाद उन्होंने ये फिल्म देखी और संजय दत्त के काम से बहुत खुश हुई। नरगिस दत्त की ख्वाहिश थी कि उनकी मौत की सूरत में भी उनके बेटे संजय दत्त की फिल्म का प्रीमियर प्रोग्राम के मुताबिक 8 मई की रात को ही होना चाहिए, लेकिन 3 मई 1981 को नरगिस दत्त इस दुनिया से रुखसत हो गई। रॉकी के प्रोड्यूसर अमरजीत ने फिल्म की नुमाइश मुलतवी करने का इरादा कर लिया था, लेकिन नरगिस दत्त की ख्वाहिश पर 8 मई को ही इस फिल्म का प्रीमियर शो हुआ और इस तकरीब में सुनील दत्त और संजय दत्त की ख्वाहिश पर एक कुर्सी खाली रखी गई। और आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि संजय दत्त और सुनील दत्त के दरमियान एक कुर्सी खाली पड़ी है। दोस्तों ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।